साफ सफाई के करिश्मे से नहीं रहा अब कोई अनजान। जीवन रक्षक सिद्ध हुआ कोरोना काल में स्वच्छ भारत अभियान। बार बार हाथ जरूर धोना, देखना हर कहीं थूकने से बचना। स्वच्छ भारत की इस ट्रेनिंग ने हमें सिखाया कोरोना से बचना। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से स्वच्छता जीवन का लक्ष्य बन गई। इज्जत घर बन शौचालय ने घर घर की सोच में जगह बना ली। 60 महीने में ही 60 करोड़ भारतीयों को मिल गया शौचालय का आत्मविश्वास। जब पहली बार स्कूलों ने लड़कियों को दी अलग शौचालय की सुविधा तो देश की लाखों बेटियों की खत्म हो गई स्कूल में आगे पढ़ने की दुविधा। खुले में शौच से मुक्त देश ने अब ODF प्लस के लक्ष्य को थाना है। जन जागरूकता बढ़ाकर अब कचरे से कंचन को बनाना है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती? शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? गंदगी को कंपोस्ट बनाकर, सिंगल यूज प्लास्टिक को दूर हटाकर, गोबर धन और वाटर रिसाइकलिंग को अपनाकर, नमामि गंगे के जैसे सभी नदियों को हमें गंदगी से मुक्त कराना है। सबको एकजुट होकर गंदगी भारत छोड़ो का संकल्प दोहराना है।